वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनि जयंती 2020 के बारे में और बात करेंगे कि शनि देव की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों शनि देव के क्रोध से पूरी दुनिया कांपती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ना जाने क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है क्योंकि वह हर व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। इसलिए गलत काम करने वाले पर शनिदेव की हमेशा टेढ़ी नजर रहती है और सच्चे इंसान के साथ वह हमेशा अच्छा करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव हर साल हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सच्चे भाव के साथ मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2020 में शनि जयंती 22 मई को मनाया जाएगा। यह सत्य है कि भगवान शनिदेव की कृपा जिस इंसान पर पड़ती है वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। ध्यान रहेगी जिन लोगों पर साढ़े सती ढैया और शनि दोष चढ़ा होता है उनके लिए शनि अमावस्या का महत्व बहुत ही खास होता है। बात अगर ज्योतिष की करें तो शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और वह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए पूरे 2.5 साल का वक्त लेते हैं और इनकी महादशा 19 वर्षों की होती है। शनि जयंती के दिन जरूर से भगवान शनि की पूजा करें वे साथ ही अपनी क्षमताओं के अनुसार दान भी दें। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव कौन है। दोस्तों शनिदेव को सभी 9 ग्रहों में से प्रमुख ग्रह माना जाता है। बता दें कि शनिदेव जो हैं वे सूर्य और छाया के पुत्र हैं और इनका जन्म श्रेष्ठ माह की अमावस्या के दिन ही हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों में शनि की विशेष भूमिका होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ भाव में रहे तो व्यक्ति को सब कुछ बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर शनि अशुभ भाव में रहता है तो व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों और बीमारियों से घिर जाता है। अब आपको बताते हैं शनि देव की पूजा से क्या लाभ होता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान शनि की पूजा करने से शनि की कुदृष्टि व्यक्ति पर कभी नहीं पड़ती है। शनि देव को कर्म फल का दाता भी कहा जाता है। याद रहे कि शनि देव कर्म के अनुसार ही किसी व्यक्ति को फल देते हैं। शनि देव की पूजा के लिए शनिवार का दिन शनि जयंती और अमावस्या पर अवश्य से पूजा करनी चाहिए क्योंकि इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी ओर हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार संकट मोचन हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। अगर आप पर भी शनिदेव की दुर्दशा चल रही है तो हनुमान जी की पूजा करना आरम्भ कर दें। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ पहले से बेहतर हो जाता है। अब आपको बताएंगे शनि जयंती की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शनि जयंती के दिन सुबह सुबह स्नान कर लें और फिर शनि मंदिर जाकर याद से तेल अर्पित करें। साथ ही शनि जयंती पर गरीबों को दान अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। भगवान शनिदेव के इस तंत्रोक मंत्र ओम पाम प्रीम प्रोम सह शनये नमः और या फिर ओम शन शनश्चार्याय नमः इन मंत्रों का जाप अवश्य से करें। तिल का तेल, काले तिल, काले उड़द या फिर लोहे की कोई वस्तु दान करना ना भूलें। शनि देव से जुड़े दोष दूर करने या फिर उनकी कृपा पाने के लिए भगवान शनि की उपासना एक सिद्ध उपाय मानी जाती है। रोजाना नियम के अनुसार शिव सहस्त्र नाम या फिर शिव के पंचारक्षी मंत्र का पाठ करें क्योंकि इससे शनि देव के प्रकोप का भय और साथ ही सभी बाधाएं भी कोसों दूर हो जाती हैं। वहीं बताते चले कि अगर आपकी कुंडली में शनि से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए शनिवार या फिर शनि जयंती के दिन सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी क्षमता अनुसार कुछ मीठा प्रसाद भी याद से चढ़ाएं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप शनि जयंती के दिन सच्चे मन से शनिदेव को प्रसन्न कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।